एक बार फिर से आया हूँ निसार कुली के पास कैसर बाग में अपना पार्सल देने। अरे सूरज सो रहे थे और इनको लेके आए हैं अनबॉक्सिंग करने। ये अंकुर ने भेजा है हमें, गिफ्ट भेजा है। और ये कैसे भेजा मैं बता दूँ, ये इन्हीं का चैनल है मेरठ काइट कल्चर। इन्होंने कहीं से एड्रेस देखा और बहुत प्यार करते हैं काइट कल्चर से, तो कुछ पतंगे ली, पैक किया और सीधे भेज दिया। और आज सुबह सुबह कॉल आई कि संजू भैया आपका एक पार्सल आया है। मैंने कहा भैया आप लोग का प्यार कहीं ख़तरनाक ना हो जाए मेरे लिए। खैर अब आया है तो चलिए देखते हैं अंकुर ने क्या भेजा है काइट कल्चर के लिए गिफ्ट। और सूरज देखो नींद में है इसको मैं जगा लाया हूँ। चलिए ओपन करिए सूरज। ऐसे ही प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। अच्छा ऐसा अभी कुछ खास नहीं करता जितना आप लोग प्यार दिखाया करते हैं। और इस तरह की चीज़ें मैं फिर से बोलूँगा ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ अच्छी तरह पता था कहीं ना कहीं अंकुर को, उन्होंने डायरेक्ट मतलब पैक वैक करके भेज के सीधे बोला कि आप निसार कूली के पास जाइएगा, आपके लिए कुछ हमने गिफ्ट भेजा है। तो अच्छा तो लगता है नो डाउट, थोड़ा सा अजीब भी लगता है, सच बात तो ये है। क्योंकि अभी हमने मेरठ की पतंगें मंगवाई भी थी फैसल भाई से, कोलकाता से मंगवाई थी, प्रोसेंदा से मंगवाई थी। इसके अलावा जो ये गिफ्ट आते रहते हैं उस वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है कि क्यों करते हैं आप लोग भाई, लेकिन ठीक है अच्छा लगता है। देखते हैं क्या पतंगें हैं इसमें। तो ये अनबॉक्स हो गया है और मैं बता दूँ थोड़ी सी सूरज की तबीयत ख़राब है कहीं ना कहीं, तो धूप में ज़्यादा देर इनको नहीं रखूँगा जल्दी जल्दी। और अच्छी बात यह है कि बैग में भी भेजा है भैया, क्या बताएं, ठीक ही है। आइए देखते हैं, सूरज फटाफट चैन को खोलिए और दिखाइए दुनिया को। कुछ लेजेंडरी पतंगे भेजी है कहीं ना कहीं जैसा मुझे दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं आप, ठीक है लिखा है इस पे गोपी, ओके बहुत बढ़िया। और दिखाइए, नीचे रखते जाइए सूरज, जो एक कलर वाली है वो नीचे रखते जाइए, जिसमें एक दो कलर ज़्यादा है उसको निकाल के दिखाइएगा। जैसे ये आई पतंग में पतंग, पुलकित लिखा हुआ है इस पे, तो ये सारी पतंग है। ये देखिए एक और पतंग में पतंग, और बहुत अच्छी पतंग है यार कसम से। तो मतलब कि जो अंकुर हैं भाई साहब हमारे, सारी एक जैसी पतंगे हैं लेकिन बहुत अच्छी पतंग वाकई, सब मीडियम का ठड्डे की। और उनको पता है कि मैं भारी भरकम उड़ाता हूँ, उसी हिसाब की पतंगे इन्होंने दी है। और ये मैं बता दूँ दोस्तों, ये गिफ्ट आई हैं पतंगे, मैंने ख़रीदी नहीं है। जो मैं लेता हूँ उसको मैं बता देता हूँ कितने रुपए की है, और ये मेरठ की पतंगे तो आप प्राइस खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये देखिए मेरे फेवरेट मेकर नौशाद की पतंगे, नौशाद भाई की पतंगे हैं। और दिखाइए इसमें एक कलर और है, ये भी नौशाद, यानी सारी नौशाद की हैं। थैंक यू सूरज। आगे तो सूरज अगली पतंग ला रहे हैं, ये भी नौशाद भाई की पतंग है, बहुत अच्छे यार, तो काफ़ी ज़्यादा महंगी ये पतंगे दे रखी हैं। और ये देखिए इनके तो कांप ठड्डों से ही समझ में आ रहा है कि कम से कम ये 35-40 रुपए से ऊपर की पतंगे हैं। वैसे तो वो सारी ही हैं, रख दीजिए BR लिखा हुआ है, मुझे सारे मेकर्स के नाम नहीं आते। सूरज ऐसे निकालना है जितने भी हैं, ये हटाते जाओ रखते जाओ एक एक सिंगल सिंगल। ये देखिए लेके आओ, दिखाओ तो वाला, हाँ वो नीचे वाले रख दो, हाँ ठीक है। ये देखिए BR कितनी प्यारी पतंग है यार, ये देखिए। तो अंकुर को मैं कहूँगा कि पहले तो यार मैं क्या बोलूँ, इतनी महंगी पतंगे नहीं चाहिए भैया, आप लोगों से मैं पहले बता दूँ। ठीक है आप प्यार करते हैं काइट कल्चर से हमसे, लेकिन यार अंकुर मैं क्या ही बोलूँ। ये देखिए दोस्तों पतंग देखिए आप ज़रा, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है अपने कलेक्शन से सारी पतंगे छांट छांट के भेजिए। ओके और दिखाइए सूरज, जल्दी जल्दी दिखाइए, क्योंकि बहुत सारी पतंगे भेज रखी हैं। ये देखिए सब BR वाली पतंगे, और BR कौन मेकर है मुझे नहीं पता है, सब बेहतरीन। आखिरी वाली पट्टेदार ज़रा दिखाइएगा, हाँ आखिरी वाली, हाँ ये वाली। ये देखिए दोस्तों क्या कलर है इस पतंग का, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो कभी कभी बड़ा भावुक जैसा मन हो जाता है कि चलो लोग इतना चाहते हैं कहीं ना कहीं काइट कल्चर को, और जो चीज़ मैंने दिखाई है अब तक वो लोगों को पसंद आई है,
और इतनी पसंद आई है कि आप देख सकते हैं, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है कम से कम 7-8 हज़ार रुपये की ये पतंगें होंगी। मतलब मैं कम से कम ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो पतंग मंगवाता रहता हूँ, मुझे पता है एक भी पतंग कोई ऐसी नहीं है जो मैं कहूँ कि ठीक ठाक है, चालू है, नहीं, सभी अच्छी पतंग है। और जो पतंग के खिलाड़ी हैं देख पा रहे होंगे, वो समझ पा रहे होंगे इस बात को। आइए नीचे वाली दिखाइए तौक, ये लट्ठेदार, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये शायद मेरे ख्याल से अद्धी है, तो अच्छी बात ये है कि मिक्स करके भेजा हुआ है, बढ़िया। आखिरी वाली दिखाइए तौक, ये देखिए दोस्तों तौक चप में, कलर देखिए कितना प्यारा है, बहुत सुंदर, रख दीजिए सूरज। तो कमाल की पतंगे भेजी हैं, अंकुर की चॉइस बहुत अच्छी है, यानी अंकुर खुद बहुत अच्छे पतंग उड़ाते हैं, कहीं ना कहीं वाले अच्छी पतंग के शौकीन है वो खुद। और दिखाइए सूरज, ये देखिए तोहफा, बहुत शानदार। ठीक है सूरज, अगली दिखाइए, पतंगों को नीचे रखते जा रहे। और कुछ पुरानी पतंगे भी रखी हुई हैं कहीं ना कहीं, यानी कि पली हुई पतंगे जिसे कहते हैं हम। ये देखिए राजू, ये शायद तो एकता गाइड क्लब के ये मेंबर है कहीं ना कहीं, राजू भाई हमारे, वही लिखा हुआ है, ठीक है, ईमानदार। ये भी राजू की। और दिखाइए सूरज, एक कलरफुल दिख रही है, ये तो ब्लैक है, ठीक है, एक कलर उसमें आ रहा है जो ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का शायद, क्या है ये, अच्छा पट्टीदार है, यानी परीदार है, पट्टीदार कह रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, रख दीजिए सूरज। तो ये सारी मैं बता दूँ, जो गिफ्ट वाली चीज़ें होती हैं उसके लिए मैं मना ही करता हूँ कि इतनी पतंगे हैं दोस्तों मेरे। ये देखिए रईस भाई की पतंगे नीचे वाली, ब्लैक वाली, बहुत शानदार और अच्छी खासी महंगी पतंगे हैं ये, ठीक है, रख दीजिए। तो गिफ्ट वाला जो मैटर है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सच बताऊँ, लेकिन किसी की भावनाओं की भी मैं कदर करता हूँ, ये भी बात है। अब उसे मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता हूँ, हालांकि अगर मुझे पता होता अंकुर ये करने वाले हैं तो मैं ज़रूर उनको मना करता। यहाँ आइए, तो पैक किया और डायरेक्ट भेज दिया हमें, उन्होंने बिल्कुल जानकारी नहीं दी हमको। ये देखिए दोस्तों पतंगे कितनी खूबसूरत है, ये नूर काइट मेकर हैं, ये नूर काइट मेकर हैं, चलिए ठीक है। ये देखिए एक और मेकर आ रही है, तो सूरज की ही तरह ये कौन है ये, जावेद भाई की पतंग है, और बहुत अच्छी पतंग है यार। जो नए बच्चे बना रहे हैं पतंगे वो वाकई बहुत अच्छी बना रहे हैं, उसके नीचे कोई और मेकर थे। हाँ ये कौन है, नहीं उनके उस्ताद होंगे शादाब कुरैशी, या उन्हीं की पतंग है, मोहम्मद उमर लिखा हुआ है, उमर भाई की पतंग है, कहीं ना कहीं उनके उस्ताद हैं शादाब जी। चलिए अगली पतंग देख रहे हैं हम लोग, नसीम की पतंग है, वाह। और ये देखिए सब पली हुई पतंगे हैं, यानी पक्का ही इन्होंने अपने बैग से निकाल के दी हुई पतंगे हैं। थैंक यू सो मच अंकुर भाई मेरे। आइए और देखते हैं, ये आ रही है पान बना हुआ है, उल्टा या दिल कह लें, पान का पत्ता बना हुआ है, बहुत अच्छे। ये देखिए पतंग दोस्तों, क्या बात है, रखिए ज़रा सूरज, निकाल के एक एक करके जितनी कलर वाली निकाल दीजिए, जल्दी जल्दी रख दीजिए, उसको भी रख दीजिए, उसको भी रख दीजिए, इसको भी रख दीजिए। अब ये दिखाइए ज़रा मत्थेदार, ये देखिए दोस्तों बहुत खूबसूरत कलर, और कौन से मेकर की ये समझ नहीं आ रहा है मुझे, चलिए ठीक है रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पतंग आ रहा है, देखिए क्या नाम है इन पे, मुन्ना गोला कुआं मेरठ ऐसा लिखा हुआ है, तो जो मेरे भाई समझ सकते समझ लीजिए, काफ़ी मतलब लेजेंडरी मेकर्स हैं कहीं ना कहीं। ये देखिए पुरानी पुरानी पतंगे हैं ये, तो बिल्कुल रखी रखी पतंगे भी उन्होंने भेज दिए है, जो अब बिल्कुल उड़ने के लिए। ये देखिए बहुत पुरानी कोई पतंग आ रही है, ये देखिए दोस्तों जो लोग कलेक्शन में रखते हैं, रानू काइट, अच्छा बहुत बड़ा नाम है रानू भाई का। और दिखाइए ज़रा ओल्ड वाली, ये वाली, हाँ ये पतंग देखिए, ये भी मुन्ना भाई की पतंग है, तो बहुत ही खूबसूरत और नायाब पतंगे भेजी हैं, कोई ऐसा नहीं कि चलती फिरती पतंग। ये देखिए शादाब कुरैशी की, देखिए कितनी खूबसूरत पतंग, इनके उस्ताद रोहतास हैं। और एक और ये देखिए बिल्कुल सूरज की तरह लग रहे हैं, सूरज ऐसे दिखते हैं बहुत अच्छी पतंग है वाकई, ठीक है। मतलब मेरठ की पतंगों में आप देख सकते हैं क्या ये पतंगें होती हैं, मेरठ और मुरादाबाद पतंगों के मामले में अव्वल,
बिल्कुल, और इसी वजह से ये है शादाब कुरैशी, उनके उस्ताद हैं भैयन जी। अच्छा, और ये पतंग दिखाइए, ईमानदार दिखाइए, कुछ अलग कलर आ रहा है यार, क्या बात है। ये तो शावेज भाई की पतंग है, बिल्कुल वाईके काइट मेकर हैं शावेज भाई की। और ये देखिए ईमानदार का कागज़ देखिए, एक और है ना शायद, एक और है, एक और, ये देखिए दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल दिल से जुड़ा कलेक्शन उन्होंने भेज दिया है कहीं ना कहीं, और मैं क्या ही बोलूं, बिल्कुल स्तब्ध हूं इस चीज़ के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं काइट कल्चर फैमिली की तरफ से अंकुर भाई को हमारे। और कल ही एक मैच में मैं बोल रहा था, वो उनका चैनल मुझे बहुत पसंद आया, प्लेयर्स की वो वीडियो वगैरह डालते हैं खींचते हुए ये वो, तो मैं अक्सर करता रहता हूँ, आपने देखा होगा मेरे चैनल पे बहुत सारे लोगों को मैं प्रमोट करता रहता हूँ जितना हो सके, क्योंकि भैया इस पे कोई पैसा तो लगता है नहीं, हो सकता है उस आपके सब्सक्राइबर से उनके भी सब्सक्राइबर बढ़ें और जो वो जानकारी देना चाहते हों ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये देखिए दोस्तों खूबसूरत ये पतंग, तेज़ तर्रार, बिल्कुल खींच के लिए हैवी। और ये आखिरी में देखिए कलरफुल चप मानदार में, देखते हैं। तो ये सारा गिफ्ट आया हुआ है अंकुर भाई की तरफ से, इनका एक चैनल भी है मेरठ काइट कल्चर के नाम से, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छे अच्छे वो प्लेयर्स की वीडियो बनाते हैं खींचते हुए वगैरह सब कुछ। और बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर भाई, आपने इतनी सारी पतंगें मेरे लिए गिफ्ट कर दी हैं। ये देखिए दोस्तों आप समझ सकते हैं इसमें कोई भी ऐसी पतंग नहीं है जो चालू हो, बल्कि ऐसी पतंगें हैं जो रखी रहती हैं कलेक्शन में, जो कोई देता नहीं है, ऐसी पतंगें उन्होंने गिफ्ट भेज दी मेरे लिए इतनी सारी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर भाई, आपकी फीलिंग्स की मैं कदर करता हूँ, आपने जो सोचा, आपने जो भावनाएं दिखाई हैं काइट कल्चर के लिए, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इतनी ज़्यादा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों, ये काइट कल्चर आप ही लोगों के लिए बना है, मैं इतना काइट में इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ। मुझे शौक़ क्या है, मुझे शौक़ है वीडियो बनाने का, ठीक है। अब पतंग उड़ा रहा हूँ वो कोई अलग बात है, बाहुबली तो धूप लगने के लिए मैंने पतंगों को छोड़ दिया था, आइए अब इन पतंगों को हम कर देते हैं पैक। एक बार एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों, कि वो कहते हैं ना कि आप बांटते रहिए आपके पास आता रहेगा, वो सच्चाई है। बहुत सारे गिव अवे किए, मांझे दिए, पतंग दिए बच्चों को, बड़ों को, जहां समझ में आया, लेकिन उससे कई गुना मुझे मिलता भी रहा दोस्तों, ये भी बात सच है। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें होती है ना कहावत में कि भाई आप देते रहो, ऊपर वाला जो है जरिया बनाता रहेगा। और इन पतंगों के लिए कह रहा था, सूरज ने पूरी नहीं दिखाई थी, ये देखिए ये रखी हुई पतंगे हैं, मैंने कहा ये कलेक्शन लोग करते हैं, कोई देता नहीं है, देख रहे हैं आप, ये देखिए बहुत पुरानी पतंग है। क्या काइट मेकर हैं, ये देखिए जफर नियाजी, ये जफर नियाजी भाई की है। अच्छा, ये तो बरेली के हैं, काफी अच्छा नाम है उनका, यंग है भी और पतंग भी बहुत अच्छे लड़ाते हैं, मेरे ख्याल से MM काइट करके उनका वो है, बरेली में काइट क्लब है जिसका शाबाज अक्सर वीडियो डालते रहते हैं। तो वही मैंने कहा कि देने का नेचर रखें हमेशा, तो कहीं ना कहीं जो ऊपर वाला ईश्वर है वो लोगों को जोड़ता रहता है आपसे। ये देखिए, बताइए ऐसी पतंगे कौन गिफ्ट करता है, शादाब कुरैशी। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से कहूँगा। अभी मैंने एक बात कही कि मैं इतना इन्वॉल्व नहीं रहता पतंग वतंग में, मुझे वीडियो बनाने का शौक़ है, हालांकि जब से मैंने बाहुबली से शौक़ करना स्टार्ट किया है यानी क्लब फाइटिंग, तब से मैं सिर्फ अच्छी पतंग उड़ाता हूँ, सिर्फ अच्छी अच्छी पतंग का मतलब आप ये समझ लीजिए एवरेज रेट रहता है 40-45 रुपए रेट, क्योंकि वाकई जो अच्छी ऐसी पतंगें जब उड़ाएंगे ना तो चालू पतंगें आप उड़ाना भूल जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि महंगी पतंगें उड़ाइए, अच्छी पतंग हो, सस्ती भी हो तो वही लीजिए फिर। ये
लेकिन आजकल अच्छी का मतलब महंगा। अब ऐसे कहाँ खड्डे लगाने पे ये कम से कम 50-55 रुपए की पतंग दिख रही है मुझे, समझ रहे हैं दोस्तों? आप समझ सकते हैं, जो क्लब फाइटिंग कर रहे हैं वही समझ पाएंगे इन पतंगों की कदर। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से कहूँगा अंकुर को मैं, और इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाइयों। पतंग के लिए जो भी कोई कर रहा है, कोई यूट्यूब चैनल है, कोई इंस्टाग्राम है, तो आप उनको फॉलो कर लीजिए। अगर आप पतंग के प्रेमी हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, अलग अलग शहर में क्या क्या चल रहा है सब देखने को मिलता रहता है। जुड़े रहिए यूं ही काइट कल्चर के साथ। Waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything. You took it all and took it for granted. If you're still falling out.